हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की डेट में मार्केट जो है वो ग्रीन चल रही है एंड मार्केट में क्या क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे क्रिप्टोज, कुछ ऐसे टोकन्स की बात करते हैं जिसमें हम खुद इन्वेस्टेड हैं। आप लोग अपनी रिसर्च करे बिना कोई भी क्रिप्टो, कोई भी टोकन मत परचेज करना है, ये हम आपसे बोलते रहते हैं। सेकेंडली, उतना ही पैसा डालो जितना कि कल के डेट में वो जीरो हो जाए तो आपकी लाइफ में कोई भी चेंज ना हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इन दी मार्केट जिसकी वजह से मार्केट जो है काफ़ी ऊपर रन कर रही है। आज की डेट में अगर हम मार्केट देखेंगे तो पूरी की पूरी ग्रीन है, बट ये क्या कैरी फॉरवर्ड होगा कल में, नहीं होगा, दैट इज अ थिंग टू बी सीन। आज की डेट में काफी लोग खुश हैं। क्रिप्टो में हमेशा ये होता है, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो फियर ऑफ लूजिंग आउट की वजह से काफी लोग परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं क्रिप्टो, जो शायद उन्होंने सोचे भी नहीं है कि वो परचेज करेंगे। काफी ऐसे लोग देखे हमने जो ट्रेंडिंग क्रिप्टो जब आते हैं वो बोलते हैं यार ये क्रिप्टो परचेज कर लेते हैं, ये क्रिप्टो परचेज कर लेते हैं, ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आज की डेट में एंड मार्केट पूरी ग्रीन है, बट जैसे ही वो परचेज करते हैं वो बोलते हैं नेक्स्ट डे वो क्रिप्टो नीचे आ गया, वो टोकन नीचे आ गया एंड वो लॉस इनकर करते हैं। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए आप लोगों को परचेज नहीं करना, आप लोगों ने होल्ड करके रखने अपने क्रिप्टो, देखना है आप लोगों ने कि वो कितना ऊपर जा सकता है। ग्रीन में परचेज करना इज नॉट व्हाट आई सजेस्ट। हमेशा जब मार्केट रेड में जाती है तब आपने परचेजेस करने चाहिए। ग्रीन का मतलब है वहां पे जाके आपका अगर प्राइस टारगेट एंड टाइम टारगेट मीट हो रहा है तो आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट यस, जरूरी नहीं है हर बार जब मार्केट ग्रीन में आए तो आपका प्राइस टारगेट रीच हो, हर बार ग्रीन में आए तो आपका टाइम टारगेट रीच हो। यस, आपने थोड़ा होल्ड करके रखने पड़ेंगे, होल्ड हमेशा ज़रूरी होता है क्रिप्टो करेंसी में। काफ़ी बार नुकसान भी होता है बीच में बट काफ़ी बार प्रॉफिट्स भी होता है। BTC का अगर हम एग्जाम्पल लें तो 2017-18 में एक जंप आया था, उसके बाद जब डंप आया था तो काफ़ी लोगों ने उस डंप में होल्ड करके रख रखे थे अपने क्रिप्टो। लोग मजाक कर रहे थे कि यार इतना मार्केट गिर गया तूने फिर भी होल्ड करके रख रखा है, बट आज की डेट में लोग उन्हीं को पूछ रहे हैं जिसके पास आज की डेट में 100 BTC हैं। लोग पूछ रहे हैं यार तूने 100 BTC तब भी होल्ड कर रखे थे, आज भी होल्ड कर रखे। सो दैट इज अप टू दी पर्सन जिसने होल्ड करके रख रखा है कि उसका प्राइस टारगेट क्या है, उसका टाइम टारगेट क्या है। बट यस, किसी को भी ये बोलना कि आगे जाके मार्केट और नीचे आएगी तो सेल कर दे आगे जाके, हर एक आदमी का अपना डिसीजन होता है। आप लोग आज सेल करना चाहते हो आप आज सेल, आप लोग बाद में सेल करना चाहते हो आप होल्ड करके रखो, बट अगर आप होल्ड करके चल रहे हो तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आएंगे। क्रिप्टो करेंसी कभी भी ये आपको गारंटी नहीं बताता कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आते रहेंगे, आगे जाके भी आएंगे, अभी भी आ रहे हैं, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। चलते हैं एक बार CoinGecko ऐप में, देख लेते हैं मार्केट का हाल एंड कुछ ऐसे क्रिप्टोज देख लेते हैं जिनके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो साइड में आप देख सकते हो हमने ओपन कर दिया CoinGecko ऐप। करेंटली जो ग्लोबल मार्केट है वो आप है 5.6%, बिटकॉइन इज आप 5.6%, ईथ इज आप 6.1%, BNB 4.4%, XRP इज आप 3.5%, ADA अगेन 90s के लेवल में आ गया 4.5% आप है, सोलाना इज डूइंग गुड, डॉज कॉइन इज डूइंग गुड, शिबा इज डूइंग गुड, ऑलमोस्ट सारे क्रिप्टो जो है आज के डेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन क्रिप्टोज की बात कर लेते हैं जिनके बारे में हम आगे पहले भी वीडियो बनाते आ रहे हैं और आगे भी उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो सबसे पहला क्रिप्टो जो हमारी नजर में आता है दैट इज कार्डानो ETH। करेंटली प्राइस दैट 90 रुपीज 42 पैसा, ये अप है 4.5% इन लास्ट 24 आवर्स, बट इसकी अगर हम जर्नी देखें फॉर दी लास्ट 1 ईयर तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जिनको इसमें लॉस हो रहा है कार्डानो। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 150s की रेंज में भी इसको परचेज कर रखा है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 200 की रेंज में भी इसको परचेज करके रख रखा है, उसमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको स्टेक करके भी रख रखा है इंश्योरिंग कि उनका प्रॉफिट जनरेट होता रहे, आगे जाके कार्डानो इंक्रीज होगा, दैट वी ऑल नो बिकॉज चार्ल्स हॉस्किंसन इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बट तब तक जब तक आपने होल्ड कर रखा है, जब तक आपका टाइम टारगेट प्राइस टारगेट मीट नहीं हो जाता तब तक कार्डानो को आप भी स्टेक करके रख सकते हो इन यूरोई वॉलेट जो ADA का खुद का वॉलेट है या डेडलेस वॉलेट जो भी इनका खुद का वॉलेट है। कार्डानो ADA में काफ़ी बिलीफ है मुझे, कार्डानो ADA जो है आगे जाके काफ़ी अच्छा कर सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जब इसकी बात हो रही थी तब ये टच करा था अपने ऑल टाइम हाई दैट इज 226 रुपीज़, आज की डेट में उससे 50% से भी नीचे आ गया, 90 रुपीज़ का ये चल रहा है। बट यस, रिकवर होने में कार्डानो को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कार्डानो का द मेन इशू इज दी सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा है, बट यस उसी के साथ साथ कार्डानो काफ़ी ऐसी चीज़ों में भी काम कर रहा है जहाँ पे देख के हमें लगता है कि यस आगे जाके काफ़ी अच्छा हो सकता है एक क्रिप्टो। द सेकेंड टोकन जिसकी हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाते हैं बट वो टोकन ऐसा टोकन है जो आगे जाके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है लोगों को, दैट इज सोलाना। सोलाना का प्राइस इज 8,387 रुपीज़, ऑल्दो एक हायर साइड में है। काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बोलते हैं इतने प्राइस रेंज का हमने क्रिप्टो, इतने प्राइस रेंज का हमने टोकन नहीं परचेज करना, बट सोलाना इज़ वन क्रिप्टो जो आगे जाके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें दे सकता है।
एटलीस्ट डबल दी प्रॉफिट आपको दे सकता है जितना भी आप इन्वेस्ट कर। बट यस, अपनी रिसर्च करे बिना कोई भी पैसा आप मत डालना इन एनी ऑफ द क्रिप्टो। सोलाना जो है 18,000 से नीचे आया था एंड इट केम टू 6,000 रुपीज, आज की डेट में 8,000 रुपीज का ये है। इट इज डूइंग फैंटास्टिक इन द मार्केट, बट यस आगे जाके सोलाना जो है परफॉर्म करना चाहिए अच्छा। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑल टाइम फेवरेट की, विच इज शिबा इनू। शिबा इनू का करेंट प्राइस इज 0.0020, 7.6% अप है इन द लास्ट 24 आवर्स। आप नीचे चार्ट देखोगे, लास्ट 30 डेज से अगर कंपेयर करोगे तो 8.5%, लास्ट 60 डेज से कंपेयर करोगे तो 27.2%, लास्ट 1 ईयर से कंपेयर करोगे तो 71,000% अप चल रहा है शिबा इनू। शिबा इनू के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हमें बार बार अट्रैक्ट करती है टुवर्ड शिबा, नॉट ओनली द प्राइस बट यस इसकी कम्युनिटी। कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रांग, कम्युनिटी बातचीत करती रहती है ऑन ऑल दी सोशल मीडिया नेटवर्क्स। जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं, जितने भी आपके हैंडल्स हैं, आप अगर वहाँ पे सर्च करते हो अबाउट शिबा, आपको पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई देती है। वो पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक इसके प्राइस में नहीं दिखाई दी है। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि 1 सेंट का शिबा हो जाएगा वेरी सून, बट यस माय टाइम टारगेट फॉर शिबा इज नॉन लेस देन 2025। 2025 तक हम होल्ड करके चल रहे हैं। आप लोग भी अपना टाइम टारगेट नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपने शिबा होल्ड करके रख रखा है। शिबा के साथ साथ लोग कहीं ना कहीं एक इमोशनली अटैच्ड हैं विद शिबा। लोग चाहते हैं शिबा को ग्रो होना देखना, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने छोटे से अमाउंट में काफ़ी बड़े नंबर्स ऑफ क्रिप्टोज परचेज करें ऑफ शिबा, एंड वो शिबा अगर 75 पैसे का गलती से हो जाता है, गलती से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अगर वो गलती से हो जाता है 75 पैसे का तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे लोगों के पास। द नेक्स्ट टोकन जिसकी हम बात करेंगे, द नेक्स्ट क्रिप्टो जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक करेंटली प्राइस एट 130 रुपीज़। हमने ये देखा था जब पूरी मार्केट नीचे आ रही थी, ऑलमोस्ट सारे क्रिप्टो सारे टोकन जो है वो नेगेटिव में चल रहे थे, मैटिक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था ऑफ 200 and something रुपीज़, एग्जैक्टली 219 रुपीज़ जो कि बनाया था इन डिसम्बर, विच इज 91 डेज प्रायर टू टूडे। वहाँ पे मैटिक के कई बायर्स आए थे, काफ़ी लोग बात करते हैं ऑब्वियसली मैटिक की, और आगे जाके उसके क्या क्या कंपटीशन आ रहे हैं मार्केट में उसकी भी बातें कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मैटिक अगर आपने परचेज कर रखा है वेल एंड गुड, अगर आप मैटिक परचेज करना चाहते हो तो मैटिक के साथ साथ आप इसके कॉम्पिटिटर के बारे में भी पढ़ लेना जो मार्केट में आ रहे हैं नए, क्योंकि कॉम्पिटिशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी क्रिप्टो जिस भी टोकन में आप पैसे डाल रहे हो वो जान लोगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपने कौन सा क्रिप्टो कौन सा टोकन परचेज करना है। द नेक्स्ट क्रिप्टो प्रॉब्ली विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज द वन जिसके बारे में हम काफ़ी बात करते हैं, विच इज वेरासिटी, VRA। VRA करेंटली रैंक एट 410, करेंट प्राइस इज 2.07 रुपीज़। हमने इसको इनिशियली परचेज करा था 2 रुपये में, उसके बाद हमने इसको फिर से परचेज करा था जब ये 1.5 रुपये गया था। हम बीच में इसको एलोकेट करते रह रहे थे थोड़ा बहुत फंड्स, एंड आज की डेट में अगेन ये 2 रुपीज़ के ऊपर आ गया, तो हमने अपना प्रॉफिट तो यहाँ से निकाल दिया, निकाला इन द सेंस अकाउंट में नहीं निकाला, बट हम प्रॉफिट में चल रहे हैं इन वेरासिटी करेंटली। वेरासिटी के बारे में अगर आप सोशल मीडिया में पढ़ोगे, इसकी प्राइस प्रेडिक्शंस पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक शॉक लगेगा, बोलोगे इतना ज़्यादा प्राइस का कैसे जा सकता है। बट VRA इज वर्किंग ऑन प्रूफ ऑफ व्यू, जो कि काफ़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी है, अगर वो सक्सेसफुली उसमें काम कर लेती है, सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। करेंटली जो सिचुएशन दिख रही है इन VRA वो यही दिख रहा है कि आगे जाके काफ़ी अच्छा कर सकता है VRA, बिकॉज इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है। यह हम आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुके हैं, आगे भी आपको बताएंगे अबाउट वेरासिटी। द लास्ट टोकन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे इज बेबी डॉज कॉइन। बेबी डॉज कॉइन एक ऐसा क्रिप्टो है आफ्टर शिबा जो कि हमने भी परचेज कर रखा है, एंड काफ़ी लोगों ने परचेज कर रखा है जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। 167th रैंक में चल रहा है, डे बाय डे इसका रैंक जो है नीचे की तरफ आ रहा है, 114 रैंक से 167 रैंक इसका आ चुका है, बट इसके कम्युनिटी बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ी है। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे 5.7% आप इन द लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 30 डेज से अगर आप कंपेयर करोगे तो 7.7% आप है, बट लास्ट 60 डेज से अगर आप कंपेयर करोगे तो नेगेटिव चल रहा है 18%, लास्ट 14 डेज से 17.3%, लास्ट 7 डेज में 20.5% आप है। तो ये बताता है कि अच्छी खासी रिकवरी करी है इसने विद इन अ वीक्स टाइम। आगे जाके ऑब्वियसली बेबी डॉज कॉइन वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे जो मार्केट परफॉर्म करती आ रही है, बट बेबी डॉज कॉइन के साथ जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको इंडिविजुअल वीडियोस में भी बता चुका हूँ, बट इसमें भी बता देता हूँ कि काफ़ी बड़े एक्सचेंजेस में आज भी लिस्टेड नहीं हुआ है। जैसे ही वो बड़े एक्सचेंजेस में लिस्टेड होगा ऑब्वियसली वॉल्यूम आएगा, एंड उसकी वजह से इसका प्राइस इंक्रीज होगा। बेबी डॉज कॉइन मेटावर्स में भी एंटर कर रहा है अलॉन्ग विद शिबा। शिबा की बात हम काफ़ी कर चुके हैं, बेबी डॉज कॉइन की बात काफ़ी कर चुके हैं। दीज आर बोथ बेसिकली जब लॉन्च हुए थे वो हुए थे एज अ मीम टोकन। शिबा इज नो मोर अ मीम टोकन, बट बेबी डॉज कॉइन टुडे ऑल्सो इज अ मीम टोकन।
काफी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं बेबी डॉज कॉइन से कि इलॉन मस्क कोई ट्वीट गलती से वापस कर दे अबाउट बेबी डॉज कॉइन तो हमें अच्छा खासा एक प्राइस जंप देखने को मिल सकता है। मैं वो उम्मीद लगा के नहीं बैठा। द रीजन बीइंग इलॉन मस्क जब भी ट्वीट करते हैं आप पैटर्न देख सकते हो डॉज कॉइन के बारे में, तो डॉज कॉइन का प्राइस एकदम जंप करता है फॉर नेक्स्ट 4-5 आवर्स एंड उसके बाद वो वापस डिक्लाइन कर जाता है। एंड जब वो डिक्लाइन करता है तो काफी लोग उसको सेल करते हुए आते हैं बिकॉज उन्होंने काफी कम प्राइस में परचेज करा था। एंड शॉर्ट टर्म के लिए वो ठीक है, शॉर्ट टर्म काफी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आजकल क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं जो कि नहीं आएंगे फ्रॉम 1st of April। बट शॉर्ट टर्म के साथ साथ हमने एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देखनी है, हमने एक परमानेंट ग्रोथ देखनी ऑफ अ क्रिप्टो ऑफ अ टोकन। अगर हम परमानेंट ग्रोथ देख रहे हैं ऑफ बेबी डॉज कॉइन, आई वुड स्टिल से कि कम्युनिटी जितनी ग्रो करे बेबी डॉज कॉइन की उतना बेटर है। कम्युनिटी की वजह से जितना इसका प्राइस इंक्रीज होगा वो कहीं ना कहीं बेटर है रादर देन डिपेंडिंग ऑन 1% इलॉन मस्क या कोई और कि जब वो ट्वीट करे तभी इसका प्राइस चेंज हो। वो नहीं चाहिए हमें बेबी डॉज कॉइन में। ऑल्दो हार्ट्स एंड हार्ट्स कहीं ना कहीं मेरा भी मन करता है कि गलती से एक और ट्वीट आ जाए, इसका प्राइस ऊपर चला जाए, सेल करके वापस परचेज कर लेंगे, बट वो थोड़े से प्राइस के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहूंगा मैं। आगे जाके क्या होगा ओनली द टाइम विल टेल। आगे जाके क्रिप्टोज इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे कोई नहीं बता सकते आपको, आपकी रिसर्च आपने खुद करनी है, किसी के कहने पे कोई भी क्रिप्टो कभी भी परचेज नहीं करना है। विद दैट सेड गाइस आज का वीडियो करते हैं पे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।